हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सातवें क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। यदि बहुपद पी एक्स, ये जो दिया गया है बहुपद, के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तब वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो छोटी सी बात बता दूं कि यहाँ पे आपको इनके मूलों के या शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल भी पूछा जा सकता है। यही सेम चीज को कहा जाता है, इनके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पे हल करते हुए हमें सबसे पहले बात तो लिख लेना होगा, पी एक्स बराबर सिक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस एक। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे बी की जगह तो माइनस एक आ जाएगा, ए अपॉन ए हमने सिक्स, तो यही मिल जाएगा। या फिर हम एक बार लिख सकते हैं शून्य मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा, एक्स का गुणांक और यहाँ पे बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पे आ जाएंगे शून्यकों का गुणन फल अगर निकालेंगे तो ये अल्फा बीटा बराबर मिल जाएगा, और ये हो जाएगा अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये माइनस ए माइनस एक बटे छ मिल जाएगा। तो इतना कुछ हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब हमको निकालना है इसका मान, तो यहाँ पे लिखेंगे वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा बराबर, यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा और इसका गुणा इधर बीटा, इसका गुणा इधर अल्फा, और हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर मिल चुका है माइनस एक बटे छ, एक बटे छ, और इसके बराबर ही बिना है माइनस एक बटे छ। यहाँ पे पूरी पूरी गिनतियां मिल रही हैं, कट जाएगा, कुल मिला के मिलेगा एक बटे एक बराबर एक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसी इसी प्रकार की कुछ और भी सवालें होती हैं, अलग अलग टाइप की, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में आपको यही मिलता है, पूछा जाता है, तो इसकी संभावना ज्यादा है, इस वजह से मैंने इसको बताया है। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है इसे।